सो ज्ञानेंद्र जी, वेलकम बैक टू फिल्म टाइम। फाइनली आपने देख लिया स्टारिंग में निखिल सिद्धार्थ की कार्तिकेय 2। कैसे लगे आपको कार्तिकेय 2 मूवी, मूवी के बारे में? सबसे पहले बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बेसिकली मैं इस्कॉन से जॉइंट हूँ मैं बहुत साल से, और सबसे बड़ी बात है हमारे लॉर्ड कृष्णा के ऊपर जो ये फिल्म रिलीज हुई बहुत अच्छी हुई है, मैं रिलीज हुई है और बहुत खुशी है कि मुझे मालूम नहीं रहा कि कार्तिकेय 2 है क्या। बाद में मुझे लगा कि वो मीन्स एक्शन भरी फिल्म होगी, फिर बाद में पता चला है जब निखिल सिद्धार्थ और जो अभिषेक अग्रवाल चंदू मुंडेटी गारू जो है इस फिल्म के लिए इस्कॉन वृंदावन टेम्पल तक गए थे हिंदी टीजर लॉन्च किया, बाद में चला ये लॉर्ड कृष्णा के जो द्वारका है उसके ऊपर बेस है, बहुत अच्छे वे से प्रेजेंट किए, मैं विश्वास नहीं कर सकता। और मैं जब मैं देखा कि इसके पहले दिन में देखा कि इतने क्या हुआ इसमें, इतने स्क्रीन टाइम क्यों हुई, बहुत कम जगह थे। फिर मैं जब मैंने किधर से मैंने नंबर ढूंढा था अभिषेक अग्रवाल जी का, तो उसमें मैंने बात की, बोला कि पक्का शो बढ़ेगा गारंटी से, लिख के देता हूँ आपको। फिर जब मैं देखा 14 तारीख संडे का दिन, तो देखा अरे बाप रे इतने स्क्रीन कैसे बढ़ गए, फिर स्क्रीन बढ़ना स्टार्ट हुआ क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा तो ये अचीव मिल सकती है। कश्मीर फाइल्स के भी टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, तो बहुत अच्छी सुपर फिल्म है और लॉर्ड कृष्णा के ऊपर जो ग्लोरीफाई किया है बहुत अच्छा किया है। इससे पहले के टाइम पे भी बहुत अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई करते थे, सीरियल्स इतना अच्छे से ग्लोरीफाई नहीं कर पाते हैं आज के ज़माने में जितना ये फिल्म ने किया है कार्तिकेय 2 में। चलो ठीक है, काम के बारे में बात करते हैं। निखिल सिद्धार्थ, अनुपम खेर, अनुपमा परमेश्वरन का काम है, उनका काम कैसा लगा पिक्चर में? दोनों का जो काम एकदम सुपर है, निखिल सिद्धार्थ हैज प्लेड वेरी वन। कार्तिकेय 1 भी जब आई थी वो भी बहुत सुपर हिट हुई, कार्तिकेय 2 में भी जो इतना अच्छा कमाल किया दोनों ने जो है, अनुपमा परमेश्वरन और निखिल सिद्धार्थ दोनों ने बहुत अच्छे वैसे प्रेजेंट किया, और इस केमिस्ट्री भी अच्छी थी, कैसे जो इतना अच्छा टूर किए, वो एक कॉमेडियन था, उनका नाम तो याद नहीं लेकिन वो बहुत अच्छा उनका प्ले कैरेक्टर रहा। सब द्वारका का जो सीन था एकदम सुपर सीन, एकदम इमोशनल करता है कि हमें द्वारका में आ चुके हैं, द्वारका स्वयं जो श्री कृष्ण की नगरी है जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी द्वारा इस नगर का निर्माण किया था, बहुत सारे अनंत लीलाएँ हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ये फिल्म हमारे सामने लाए, क्योंकि फिल्म में जो है समाज की इकाइना होती है, खासकर दक्षिण भारत जो है सनातन धर्म की पिक्चरों को अच्छी तरह से प्रस्तुत करता है जैसे इसने किया। क्या बात है, अनुपम खेर जी का भी इसमें किरदार है, उनके बारे में बताया? अनुपम खेर जी तो महान है, उनके तो एक्टिंग सबसे अच्छी है, उन्होंने जो प्रेजेंट किया, कैसे बताया कृष्ण के बारे में, जो कड़ा के बारे में बताया, रहस्य क्या था, वो सब जो था वो बहुत अच्छा लगा। कश्मीर फाइल्स के बाद बहुत अच्छा प्रेजेंट किया उन्होंने अपने आप को, और इतना अच्छा प्रेजेंट कर पाना बहुत मुश्किल थे किसी के कैरेक्टर का। आप देख सकते हैं मैं जब गया था देखते शो, उस वक्त अच्छे हाउसफुल हो गए थे, बहुत अच्छे लोग आए थे, कुछ लोग तो अपने इस्कॉन टेम्पल से भी आए थे एक दो लोग जो, और कई जो ऐसे लोग थे। अभी दिल्ली में जब इसका एक स्क्रीनिंग होता सक्सेसफुल स्क्रीनिंग, इस्कॉन दिल्ली के टेम्पल के प्रेजिडेंट भी प्रेजेंट नहीं शायद से, जो एक सीनियर डिवोटी थे वो खुद इस फिल्म को देखने गए थे, अप्रिशिएट किए, क्योंकि कहते हैं ना अब जब कोई फिल्म को प्रस्तुत करते हैं सनातन धर्म के विषय पर फिल्म को प्रस्तुत करते हैं, पहले उसे सही रूप से प्रस्तुत करना चाहिए जैसे इसने किया। और खासकर बताओ भगवद गीता में भी कहा गया है, सॉरी भागवतम में भी कहा गया है कि एते छाम कला कृष्ण, एते छाम कला पुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अनंत है, सब है, भगवान श्री कृष्ण के पास जो 64 कलाओं की लीला है वो और किसी ने भी नहीं सीखी। भगवान श्री कृष्ण तो लोग भगवान श्री कृष्ण को कई नाम से जानते हैं, बट भगवान श्री कृष्ण कौन है वो जानना ज़रूरी है, लोग कुछ भी करके उसी को जो है बहुत कुछ समझते लोग है ना, मीन्स भगवान श्री कृष्ण को समझते नहीं है। कार्तिकेय 2 में जो बताया गया तो कुछ लोग जो भगवान श्री कृष्ण को समझ गए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने लगे, आप उसमें देखा होगा पोस्टर में #कृष्णा इज ट्रुथ, कृष्ण ही सत्य है, ये बात याद रखेगा। क्या बात है, स्टोरी के बारे में बात करते, स्टोरी कितनी एंगेजिंग है, कितनी लोगों को पकड़ स्टोरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा एंगेजिंग है, विश्वास नहीं होता, हमें तो लगता है बोर तो नहीं करेगी। वैसे तो मुझे पहले से ही मेरे से एक्साइटमेंट थी, मैं 1 वीक से एक्साइटमेंट था, फिर मेरे को जब जाके टाइम मिला तो जाके मैंने देखा ये फिल्म को, इतनी अच्छी एक्साइटमेंट मुझे मिली स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मुझे कोई भी सीन में बोर नहीं किया। ये BGM भी इसका अच्छा था, सबसे एक चीज़ अच्छी बात, 15 करोड़ की बजट में बनी फिल्म, कम VFX में बनी बजट की फिल्म कभी कोई नहीं बनाता, सिर्फ अभी आई थी सरसेनापति हम भी रहा
18 करोड़ के बजट में बनी फिल्म, इतनी अच्छी वीएफएक्स, लोग उसको समझे 100-150 करोड़ की फिल्म है, लेकिन इतना अच्छा कमाई की। फिर ये जो भी आई इसके इतने अच्छी वीएफएक्स, एक बात याद रखिएगा, बड़ी वीएफएक्स से ना कभी भी फिल्म सफल हो सकती है, लेकिन जैसा भी आपने देखा शमशेरा आई थी, बड़े बड़े वीएफएक्स आए थे, वीएफएक्स थोप दिए थे, 300 करोड़ की फिल्म है, क्या हुआ, धराशायी हो गई। वीएफएक्स कम बजट में भी अच्छे बन सकते लोग, हाँ लोग लोग कहते हैं कम बजट में कैसे रामायण वाली वीएफएक्स सब आएगा, ऐसा नहीं है। एक तो ये क्या था फिर, झोला छाप था क्या? मैं एक तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ, चड्डी वाली फिल्म देखने से अच्छा है जाके कार्तिक 2 देखो, बहुत बेस्ट है। और मैं तो चाहता हूँ जो भी है अभी संडे के टाइम से अवश्य टाइम निकाल के देखिए। हमारे कई ऐसे इस्कॉन के भक्त लोग इस फिल्म को देख चुके हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स लोग देखे, मुझे तो खुद एक्साइटमेंट दी थी, मैं जाके खुद देखा, आनंद ही आ गया। जो सॉन्ग था हे केशव हे माधव, एकदम एंगेजिंग करता, पूरे बदन में कांटे कांटे आने लगे, अंग में कांटे आने लग गए, सच्ची में ऐसा आना तो बहुत मुश्किल है। पर ये फिल्म पक्का अच्छी चलेगी, और मैं तो चाहता हूँ कि अगर आके स्टेट गवर्नमेंट इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दे तो और मज़ा आए, क्योंकि जो लोग गरीब से गरीब लोग भी इस फिल्म को जाके देख सकते हैं टैक्स फ्री में। इवन स्कूल में जो बच्चे, स्कूल के बच्चों के लिए भी एक स्क्रीनिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि स्कूल बच्चों को भी पता चले कृष्णा ही सत्य है, कृष्ण कौन है, तो लोग जान सके, क्योंकि बच्चे भी नहीं समझ पाते कृष्ण क्या है। लोग माँ बाप ऐसे कैसे कहानी सुनाते, ऐसा नहीं है, शास्त्र में जो कहानी बताई गई है वो सत्य है। जैसे इस्कॉन में हम देखते हैं यहाँ पर जो बुक्स है, जैसे कृष्णा नाम की बुक है, आप सब लोग को बताना चाहता हूँ, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नाम की बुक है, उससे भी अवश्य पढ़े, इसमें लॉर्ड कृष्ण के बारे में पूरा बताया गया है ट्रुथ। कार्तिकेय 2 भी उसी पे ही बेस्ड है। लास्ट सवाल देखा ज्ञानेंद्र जी, 5 में से ज़्यादा थे कितने रेटिंग दे रहे, जबकि मेरा सवाल आपको लगे ये गलत है, बट एज ए पिक्चर के नाते 5 में से कितने स्टार? देखो मैं सच बोलूँ, अगर मैं चाहे तो कृष्णा के लिए कितने भी स्टार देने के लिए तैयार हूँ, बट मैं 100 भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पर जैसा विधान है 5 out of 5 stars। क्या बात, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ लाल सिंह चड्डी, क्योंकि मुझे वो फिल्म चड्डी लगी उस फिल्म से देखने से अच्छा है जाके कार्तिकेय 2 देखो, अभी भी चल रही है, कई जगह शोज और बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसी फिल्में भी आगे आके बताए गए। दक्षिण भारत सनातन धर्म को अच्छे से प्रदर्शन करता, खासकर तेलुगु इंडस्ट्री 1950 से लेके NTR गारू के टाइम से लेके अभी तक ऐसे पिक्चर्स आते। आज भी आपको बताता हूँ, तेलंगाना आंध्रा में जब हम जाते, चाहे वो नए जनरेशन के लोगों, पहले के 50 के ज़माने में जो भगवान की फिल्म, चाहे वो माया बाजार हो या भूकेलासम हो जो रामायण पे बेस्ड है, रावण पे बेस्ड है, उस फिल्म पे भी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं आज के ज़माने में। जब मैं तिरुपति गया था तभी भी जो लोग है, कई लोग मोबाइल पे लोग भूकेलासम और माया बाजार जैसे ब्लैक एंड वाइट फिल्म देख रहे थे, क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी जो देख रहे, क्योंकि साउथ के पास स्पिरिचुअलिटी और परंपरा सब कुछ है, बॉलीवुड में उतना है नहीं, और हमारे धर्म के विषय पर बताया गया है। और एक अवश्य एक बात, और इसमें जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है, वीएफएक्स कितने भव्य है, बहुत एकदम आनंद ही आ गया। सब लोग से अनुरोध है, प्लीज़ कार्तिकेय 2 अवश्य देखिए। और एक चीज़ है, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भी बुक ज़रूर पढ़े, जिससे कि लॉर्ड कृष्ण के बारे में पता चल जाएगा, या आपको कोई भी इस्कॉन टेम्पल में मिल जाएगी। थैंक यू। क्या बात है।